लिख गया है, खबर दे मोटा पहुंच गया है, देख लियो। 45 मिनट हो गए और धीरे और ले रहे नजारा जमा। ये देखो जो है बता दे यार है मंदिर दी आउट लग कॉटरी है दुराट ओम सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाई आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है बस सब अच्छे होंगे। तो टाइम आपने देख लिया भाई, 4:38 हो गए हैं और बाहर पड़ा काफ़ी अंधेरा अभी तक। तो अब जब तक चाय चूय पियोगे तब तक थोड़ा चंदना ही जगह और फिर चलना है खेत में। चाय पी लिया इतना, चलते हैं खेत में। ए भाई दिन लिख गया है, अब चला खेत में। ले भाई पहुंच गए हैं खेत में और लग गए। 7 बज गए हैं भाई, तो थोड़ी देर पी लिया होका क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाए और होका भी पाछे तो बंदा वहाँ इतनी एनर्जी आ जाए भाई मन मन हो जाए भाई कल्ला भी किला खेद देगा। तो पी लिया होका एक बार। टाइम हो गया भाई 8 बज गए ना 30 मिनट और गर्मी हो गई है ज़्यादा, आज बहुत कम बन गया, उना किला रह गया बस एक दो दिन का और काम है। सवेरे सवेरे के 3 घंटे लग गए बस काफ़ी इतने, और अब चलेंगे घर। हाँ खेत में आए के भाई खाना खुना खा था और नह लिए और अपना बाइक खड़े भाई बाहर काम में, तो करेंगे अब जाके ना अंदर की ओर। ये देखो भाई बाइक पे बिल्कुल गांव में रहे हैं और जब खड़ा करके गया जब छाव थी भाई बेचारा गांव में पड़ गया। अब करेंगे इसको अंदर। ओका पर दे मोटा पहुंच गया है, देख लियो बिल्कुल एन सागी मौको पाया है। कोई नहीं भाई काम तो इसको भी देंगे। हाँ ये देख आपे लग गया भी ना गए ओका में पानी करा मोटा। ये देखो भाई 3:45 हो गए और धीरे और ले रहे नजारा ताश का और ओका का। 4:30 हो गए भाई, तो आज मौसम हो रहा ठंडा, रात चलाए बकत्ते खेत में जुगाड़ लगाए मौसम का लिया इंजॉय। आज देखो भाई आज मौसम ने देख के पूरा प्रसन्न हो रहा जमा, खिल रहा जमा। ले भाई मैं जो ना मेरा निके मेरे आज मौसम ठंडा है रहा पे आप आज मैं जो है बता दे यार है जी सा आ गया ठंडा मौसम हो रहा जमा। खेत में पहुंच गया भाई और अब काटेंगे जुगैर। ये देखो भाई इसके काम है। ले भाई आज डुआई बच गई है, ट्रैक्टर में दर्द दिया उड़ लगे कौन पिंदा के चा और वो काट ला है।
ले भाई ये अपना धूना जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन धूना भाई प्राचीन। भाई कैल की ज्वार ले उड़ी है और मैं सुबह डुवांस रखा ज्वार आज भी मेरे लिए तो बैठ के लिया आप वाली आप वाली चमड़ाई थी पहली और कट्ठे फटन लगे थे यू लोभी मनस के ये काम उधर आई ये हो घर बसाने के काम। हाँ ये देखो भाई बहुत चालाक मनस है अंदर देखिए देखे चिकड़े रह गए चिकड़ा कदे पैर पिछड़ से देखे ले भाई वाह जी वाह मैं शिव 6 बज गए भाई और आप घर पहुंच लिए हाँ और कदे तो मैंने सोचो भाई मैं शिव एडवांस रखा जुबैर जुबैर आप भी एडवांस रखा भाई भैया भी एमरजेंसी में काम है इसके ले भाई गर्मी हो रही ज्यादा अरीब नहा लें एक बार फिर मिलेंगे। टाइम हो गया 9:45 और अभी अभी खाता खाना तो भाई वो लोग देख के ना कमेंट जरूर कर दिया करो क्योंकि आप लोग कमेंट करो नहीं तो अपना पनसा उसमें महसूस हो भाई यह भी एक अपनी फैमिली हो रही है जब भी कमेंट देखा तो भाई मतलब अलग सी फीलिंग आओ उस चीज़ में और सपोर्ट कराया करो भाई क्योंकि नेगेटिविटी तो लोगों में आती रहो है उसकी कोई दिक्कत को नहीं दो चार जन का कोई असर को नहीं पड़ता वहाँ कुछ कहें जाओ कुछ नहीं इसका अपने ऊपर कोई प्रभाव को नहीं भाई वहाँ आपकी ज़िंदगी में भी आओगे दो चार जने कहनी है तो मतलब इन लोगों दूर रहने की कोशिश करो जितना उसके उतना ज़्यादा तो अपनी ज़िंदगी अपने मज़े में जियो और टाइम ज़्यादा हो गया भाई तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।